भाजपा सोलन में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले सोलन में देश के प्रधानमंत्री की रैली थी, तो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोलन में रोड शो किया। उन्होंने रोड शो के दौरान माल रोड फेरगंज बाजार का दौरा किया। जो भी वोटर सड़क में मिला उसे भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने शहर वासियों के साथ सेल्फी खिंचाई और उनके दिलों में जगह बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जनता को यह संदेश दिया कि केवल भाजपा ही हिमाचल का विकास कर सकती है और वही देश को स्थिर सरकार दे सकती है, इसलिए कांग्रेस के झांसे में आकर अपना वोट खराब ना करें और भाजपा को विजयी बनाएं। देखिए, ये एक अपने आप में हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव था, क्षण थे। कल प्रधानमंत्री जी ने सोलन का दौरा किया, सोलन से उनको प्यार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोलन से प्यार है। छात्र जीवन में उन्होंने यहाँ पर बहुत समय लगाया है, आज वो यहाँ आए, उन्होंने लोगों को मिले, लोगों से आग्रह किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए। हम लोगों के लिए तो एक जिसको होते हैं एनर्जी बूस्टर था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक छोटी सी जगह में आकर लोगों से मिले और हमें उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, राज नहीं रिवाज बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम लहराएगी। उत्तराखंड से है, देहरादून से मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ प्रचार में लगे हैं, क्योंकि भारत माता के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है देश के लिए, इसलिए जनमानस से आज आग्रह करने और निवेदन करने आए हैं। और आज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने रोड शो किया और जनमानस का जो जनसलाब यहाँ उमड़ा है, हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने रोड शो किया और जनता का आभार समर्थन उनको मिलने जा रहा है। कांग्रेस का पश्चारोप आरोप लगातार चलता रहता है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करती, जो कहती है वो करती है। भारत माता अखंड भारत बने, इस कल्पना को साकार करने में आदरणीय मोदी जी लगे हैं। इस बार हिमाचल में रिवाज बदलना बिल्कुल तय है और हिमाचल में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। कल जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया है, वो सोलन पहुंचे थे और उनको सुनने के लिए जो आमजन है उनका जो जनसलाब था वो आज कल सड़कों पे देखने को मिल रहा था, और फोटो ग्राउंड में तिल रखने की भी जगह नहीं थी, और उन्होंने आकर सभी से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। और उन्होंने कहा है कि कमल निशान की वोट का जो वोट डालना है वो कमल निशान को डालना है और वो वोट पुस्तक पहुंचेगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सोलन पहुंचे हैं, ये जनसंपर्क अभियान है, इसमें आमजन है, व्यापारी है, जो लोग जो खरीदारी करने भी आमजन आए हुए हैं, जो वोटर है, सबसे जगत प्रकाश नड्डा जी ने पर्सनली उनसे वोट अपील की है कि भाजपा को वोट दें।